गौ रक्षा की आड़ में गुंडागर्दी, किसी की जान ले लेना, ये कहां तक वाजिब है, कितना सही है, कानून को हाथ में ले लेना, और बड़ा सवाल ये कि इनको शह कौन दे रहा है, इसी पर बहस हो रही है। राजीव त्यागी जी, ब्रेक से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, लेकिन जो बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही है, वो माफ कीजिएगा सुधांशु मित्तल जी ने कही है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कानून तो आप लेकर आए हैं, और कानून आप ऐसा लेकर आए हैं कि कहीं आपने अलाउ कर दिया है, कहीं आपने अलाउ नहीं किया है, वो समानता क्यों नहीं? देखिए, आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गाय की हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए और राज्य सरकारों के अधिकार में ये क्षेत्र है। आर्टिकल 48 को अगर पढ़ लेते सुधांशु जी तो ये बात कहते ही नहीं, पूरे देश में आर्टिकल 48 लागू है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस से लेकर के सभी दलों की जो सरकारें रहती हैं, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में कानून बनाना होता है। क्या गुजरात गवर्नमेंट ने अभी पास नहीं किया कि गौ हत्या पर आजीवन कारावास होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो गोवा गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं कर रही जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? मणिपुर की गवर्नमेंट जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसको क्यों नहीं कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसको क्यों नहीं कर रही है? किरण रिजिजू के बयान पर कोई जवाब नहीं आता है, केरल के अध्यक्ष के बयान पे कोई जवाब नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के नेताओं के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो गौ हत्या को लेकर के, गौ मास को लेकर के कहते हैं हम खाते हैं, उन पे कोई बयान नहीं आता है। दूसरी बात, मेरे मित्र ने एक बात उठाई, बड़े भाई ने मेरी बात उठाई कि कानून व्यवस्था का काम जो है पुलिस के जिम्मे होता है। मैं मानता हूं, बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन जिन जिन राज्यों में हादसे हो रहे हैं उन राज्यों में पूछना चाहूंगा किसकी सरकारें हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस पे सरकारों का नियंत्रण नहीं है, और ये निश्चित रूप से पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिसीय व्यवस्था में कमी है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस से गालमेल किए हुए है। सुधांशु जी, दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, रूबिका जी, लास्ट सेंटेंस कह दूं, रूबिका जी, लास्ट सेकंड चाहिए रूबिका जी। हमारा कहना है, हम तो 24 राज्यों में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा करके आए। हमने भगवान राम का टेंपल जो अयोध्या में, उसका दरवाजा भी खुलवाया। हमने गंगा की सफाई का कार्य भी कराया। भारतीय जनता पार्टी ने तो वोट लिए इन मुद्दों पे, जिन्होंने वोट लिए हैं वो लोग बताएं, गौ हत्या को लेकर उन्हें कौन से राज्य में कानून बनाया? क्या केंद्र में सरकार कानून बनाने के लिए संकल्प है? क्या फायदा हो जाएगा सर? बात गौ रक्षा की और गौ भक्षकों की हो रही है, उस पर जरा बात कर लेते हैं सुधांशु जी। क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में राजीव त्यागी सरकार भारतीय जनता पार्टी की संसद में कोई बिल लेकर आएगी? मेरा सवाल वापस यही है कि ये फेलियर क्यों नहीं होगा सरकारों का? पुलिस आपके अंडर में है साहब, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्यों एक के बाद एक ही गौ रक्षक आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी तक तो ठीक है सर, पुलिस मिल करा रही है इसको, ये पूछिए इनसे पुलिस क्यों मिली हुई है गौ तस्करों से। रूबिका जी, मैं जवाब दे दूं अब जी? रूबिका जी देखिए, पिछले 3 साल के अंदर अगर आप सारे भी किस्सों को और जो भी हुए हैं, हादसे हुए हैं, उनको जोड़ लेंगी तो 12-13 से ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ एक अनुमान के हिसाब से कोई 3.5 करोड़ गाय जो है तस्करी के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रास्ते से बांग्लादेश में जाती, इतने बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है, और 3 साल के अंदर 12-13 किस्से इस चीज को लेके हुए हैं। तो आपको लगता नहीं कि एक अपवाद को हम लोग जानबूझ के इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और सुधांशु जी, दोनों में ही आपका फेलियर है। तस्करी नहीं रोक पा रहे तो भी आपका फेलियर, और इन तस्करों को, सो कॉल्ड तस्करों को अगर मारा जा रहा है तो भी आपका फेलियर। पता है आपको सुधांशु जी, रूबिका जी एक हमेशा याद रखिए, रूबिका जी एक हमेशा याद रखिए कि कानून का उल्लंघन जब होता है तो हाँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, और अगर राज्य अपने काम में कानून का उल्लंघन नहीं रोक पा रहे हैं तो उसमें है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा मुख्य चीज़ ये होती है कि जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो 12.5 किस्से 3 साल के अंदर आते हैं, सिर्फ 12 किस्से, उन हर एक किस्से में देख लीजिए कि कानूनी कार्रवाई सख्त हुई या नहीं हुई। अगर कानूनी कार्रवाई हुई
तो उसको फिर कानून व्यवस्था का मामला मानना चाहिए या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या उसको राजनीतिकरण करना चाहिए होती है और ऐसी होनी चाहिए कि वो एक नजीर बन के रह जाए कि फिर ऐसे केसेस ना हो। अभी आचार्य जी आपके सामने बैठे हैं, इसी डिबेट में बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोगों का आक्रोश है, वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो हुआ गलत हुआ नहीं होना चाहिए। मैडम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हिंसा बिल्कुल गलत है, लेकिन जो कानून जो आक्रोश हो या ना हो, एक सेकंड मैं कह दूं, एक सेकंड मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए लोगों का आक्रोश हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। ये कानून की व्यवस्था और इस देश में कानून का राज है, ये स्पष्ट स्थिति है और इस पर बार बार बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो स्पष्ट स्थिति है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपवाद को आप व्यवस्था का नाम देके इसका धार्मिकरण करें या इसका राजनीतिकरण करें। अलवर में एक आदमी को मार दिया जाता है, ये अपवाद है। ये इस समय दादरी में एक शख्स मर जाता है, ये अपवाद है सर। वो वहां पर जम्मू कश्मीर में पुलिस की मौजूदगी में बिल्कुल अपवाद है, वो मारा पीटी की जाती है, वो मर जाता है, ये अपवाद है। क्योंकि अगर अगर एक एक साल एक 4 करोड़ अगर गांव का तस्करी हो रही है और सारे 3 साल के भी साथ आप तो जानते हैं, अपने जहन में ला सकते हैं, तो आप इसका इनजस्टिस है, उसमें अपवाद कैसे कुछ हो सकता है सर? अखलाक के अखलाक की हत्या के बाद कितने जने जेल में आज तक, मैं आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, अखलाक की हत्या के बाद कितने जने अभी तक जेल में है, वो वहां पे जेल में। अरे सर तो जेल में है तो फिर और उसको सजा दी जा रही है, तो ये अपवाद है या व्यवस्था है? सर इन लोगों को राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग, मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे सांप्रदायिकता क्यों ला रहे हैं? मैसेज क्यों नहीं मिल पा रहा है सुधांशु मित्तल जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जहीन आदमी आप मुझे ये बताइए कि कानूनी कार्रवाई क्यों होती है सर? रूपिका जी मेरा एक सवाल है सुधांशु मित्तल जी से, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊं और सामने मुझे पुलिस वाला दिख जाए तो मुझे किस बात का खौफ होगा? इसी बात का कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसी बात का कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं खौफ, तभी तो मैं कह रहा हूँ इससे 12 किस्से हुए। अगर पुलिस का खौफ नहीं होता तो यहाँ 12,000 किस्से होते, 3 साल के अंदर 12 किस्से हुए इसीलिए क्योंकि खुद पुलिस का खौफ है। और अगर खौफ नहीं होता तो 12,000 किस्से होते, कभी ये भी तो देखिए ना सर, आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो जानी चाहिए, थोड़ी बहुत चलती है सुधांशु जी, आप बोल रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलता है, बिल्कुल नहीं हो जानी चाहिए। इसीलिए गुंडागर्दी चल रही है, बात कहना चाहता हूँ राजीव जी एक सेकंड, इसीलिए कार्रवाई होती कि किसी को अपमान रक्षा के नाम पर गुंडाई करने का कोई हक नहीं है और जो करने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? उसको आप फांसी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कानून में नहीं लिखा। रूमिका जी मैं सुधांशु भाई से एक सीधे सवाल ये करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अलवर में पहलू खां को जान से मार दिया, क्या आपने उस एक बंदे के अलावा किसी और को अरेस्ट किया और उन पर क्या क्या धाराएं लगाई? आपको नहीं पता तो मौलाना साहब गलत बात में करिए, 5 जने अंदर है जेल में, 302 में 5 जने और बाकियों की तफ्तीश हो रही है, आप यहाँ बैठ के क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए आप हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, राजनीति करने के लिए या सांप्रदायिकता करने के लिए झूठ बोल रहे हैं आप सब? देखिए कमाल कर रहे हैं आप भी, हिम्मत करिए इस वक्त, 5 जने गए अंदर, 5 जने अंदर है 302 में, आप झूठ बोलिए हमारे बैठ के। गाय के नाम पर हुआ सहारनपुर में जो है क्या हुआ? आप सहारनपुर कैसे आ गए सर? अलवर में सुधांशु जी बोल रहे हैं कि 5 रुपए को जेल के अंदर डाला गया है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड, पुलिस पर हमला किया, बहराइच में पुलिस पर हमला किया। रूपिका जी देखिए मुद्दा कोई भी हो, बात ये है कि ये लाकानूनियत, ये अराजकता, ये कानून में गुंडागर्दी का साथ कैसे चल रहा है? तस्करी मोदी जी और योगी जी सरकार में फिर आप उसमें एतराज करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मौलाना साहब गाय जिसको पूजा जाता है, गुड गवर्नेंस पर गाय जिसको कानून में माना जाता है, व्यवस्था पर गाय के खिलाफ जिसको सबसे बड़ा अव्वल दर्जा दिया जाता है, पशु का सबसे अव्वल दर्जा दिया जाता है, 5 सेकंड आप तस्करी करते हैं। एक सेकंड मौलाना साहब, दोनों पक्ष रखिए ना, आप दोनों पक्ष रखिए ना मौलाना साहब, आप जानते हैं कि कितने ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां स्लॉटर कर दिया जाता है, जहां गाय काट काट के हंसते हैं लोग, उनके लिए आपने क्या किया है? ये जंगल आपने क्या किया मौलाना साहब? पर यही तो चार्ज था बीजेपी का सबसे बड़ा, क्या साहब हर जगह लाकानूनियत है, गुंडागर्दी है, हर जगह लूट मचाई है, तो आप गाय के नाम पर कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या तस्करी करना लाकानूनियत नहीं है?
तस्करी करना कानून को परे रखना नहीं है। मौलाना साहब क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? और ऐसा तो है नहीं साहब कि इकलौता मीट एक्सपोर्टर पे हक जो है वो मुसलमानों का है, एक कौम का है, जैन भी है, हिंदू भी है, वो क्यों नहीं पीटे जाते हैं? क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? ये सख्ती क्यों नहीं करते उस चीज पर?